आज की वीडियो होने वाली है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से फूड्स हैं जो अगर आप अपनी डाइट में ऐड करोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन डेफिनेटली बूस्ट होने वाला है। टेस्टोस्टेरोन गाइज हमारा नंबर वन मेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन ही है जिसकी वजह से हमारी मसल की ग्रोथ होती है, फैट लॉस होता है, हमारे सेक्सुअल ड्राइव के लिए, हमारे सेक्स के लिए, हमारे लिबिडो के लिए, हमारे बियर्ड की ग्रोथ के लिए, हमारी हेयर की ग्रोथ के लिए और भी बहुत सारे फायदे हैं टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होने के। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाता है, तो हमें इसे बूस्ट करने की ज़रूरत है। जंक फूड, बाहर का ऑयली फूड, इन सभी चीज़ों से हमारा टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है, तो हमें कुछ ऐसे हेल्दी फूड ऐड करने चाहिए जो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन 100% बूस्ट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा। तो पहली चीज़ है स्पिनच। गाइस स्पिनच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। स्पिनच बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि इसमें मौजूद होता है, इसमें प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्प करता है। इसके साथ में इसमें प्रेजेंट होता है विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करने के लिए, आपके रेड ब्लड सेल को इंक्रीज करने के लिए, आपके अंदर जो अनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए। और अगर आप चाहते हो अपने हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करना तो उस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हो। इसके साथ में अगर आप चाहते हो अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना तो आपको अपनी डाइट में स्पिनच को ऐड करना चाहिए। आप इसकी सब्जी खा सकते हो, इसको सलाद में भी इंक्लूड कर सकते हो। नंबर दो चीज़ है ओनियन एंड गार्लिक। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम ओनियन तो खाते हैं मतलब प्याज तो खाते हैं, लेकिन गाइज ओनियन और गार्लिक मतलब लहसुन, इन दोनों चीज़ों से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। ये दोनों चीज़ें आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्प करती है, तो आपको इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इनमें मौजूद होता है एक केमिकल जिसे हम कहते हैं डायलाइल डाइसल्फाइड, जो कि हेल्प करता है आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। साथ में इसमें मौजूद होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो कि आपकी स्किन सेल को फ्री रेडिकल से बचाने में हेल्प करते हैं। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट कम करना चाहते हो तो आपको इनका यूज करना चाहिए। अगर आपके पेट में गैस बनती है तो भी आप इनका यूज कर सकते हो। तीसरी चीज़ है ब्रोकली। गाइस ब्रोकली का जूस बहुत ही अच्छा होता है। ब्रोकली एक कैबेज फैमिली से बिलोंग करती है और ये पत्तेदार फूल गोभी की तरह होती है, पत्तेदार कैबेज की तरह दिखाई देती है, हरे रंग की होती है, पत्तेदार हरे रंग की कैबेज की तरह दिखाई देती है, हरी वेजिटेबल है, तो आप गाइस इसका यूज कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। इसमें मौजूद होता है विटामिन के, आयरन, जो कि हेल्प करता है आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में, तो आप इसे भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो, शामिल कर सकते हो। अभी ये हेल्प कैसे करता है आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में? सबसे पहले जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसको कम करने में, उसको इनहिबिट करने में हेल्प करता है। जब आपके बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, स्ट्रेस लेवल यानी कोर्टिसोल कम होगा, तो आपका टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, तो आप इसे अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। चौथी चीज़ है बनाना एंड एवोकाडो। तो आप इन दोनों चीज़ों का भी यूज कर सकते हो अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में। बहुत ही बेस्ट सोर्स है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है एक केमिकल जिसे हम कहते हैं ब्रोमलेन। ब्रोमलेन काम क्या करता है? ब्रोमलेन आपके ब्रेन में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके सिग्नल देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि आपका सेक्सुअल ग्रोथ हार्मोन है, वो आपके सेक्सुअल ड्राइव को इम्प्रूव करने में, सेक्सुअल ड्राइव आपके जो टेस्टोस्टेरोन है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, तो इस तरह से काम करता है ब्रोमलेन। तो आप इसे भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, ये बेस्ट सोर्स है आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। साथ में इसमें मौजूद होता है पोटाशियम और मैग्नीशियम, जो कि आपके अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो गाइस ये चीजें आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्प करती है। इसके साथ आप और क्या चीज ऐड कर सकते हो? इसके साथ आप एग योग खा सकते हो, एग यूज कर सकते हो, ओस्टर खा सकते हो, फिश खा सकते हो, और उसके साथ हर्ब्स है जड़ी बूटी लाइक अश्वगंधा, और के साथ मेथी यानी फेनुग्रीक, आप इनको भी यूज कर सकते हो, जो कि बेस्ट है आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। गाइस टेस्टोस्टेरोन हमारा नंबर वन मेल हार्मोन है। अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस रखते हो, अपनी डाइट को न्यूट्रल रखते हो, अपनी डाइट अच्छी रखते हो, तो आपका टेस्टोस्टेरोन 100% बूस्ट होने वाला है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन डेफिनेटली बूस्ट होने वाला है। तो गाइस आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो अपनी डाइट में,
अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। अगर आपकी नई नई शादी हुई है, अगर आप प्लान कर रहे हो शादी करने का, तो आपको तो इन चीज़ों को पक्का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपके ये बहुत ही काम आने वाली है। तो गाइज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइज मैं बता दूँ कि ये बहुत ही बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। बताइए लाइक आप ऐड कर सकते हो, जो कि आप ऐड कर सकते हो मैंने आपको बता दिया। लाइक आप क्या क्या ऐड कर सकते हो, स्पिनच हो गया, ओनियन गार्लिक हो गया, ब्रोकली हो गया, बनाना एवोकाडो हो गया, एग हो गया, उसके बाद ओस्टर हो गया, फिश हो गया, अश्वगंधा हो गया, और इसके साथ फेनोग्रीक यानी मेथी दाना। तो गाइज इन सभी चीज़ों से आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, और मेरे चैनल बोहित मसल को सब्सक्राइब करना, और भी ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।